सो हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग। हम आ चुके हैं अपना एक और व्लॉग लेकर और ऑफिस के लिए निकल चुके हैं। और रोज़ की तरह हम आज भी थोड़ा सा लेट ही निकले हैं क्योंकि 9:41 हो गए। आज भी कोशिश की थी जल्दी निकलने की बट नहीं निकल पाए यार। बट कल जितना लेट तो नहीं है क्योंकि कल तो हम 10 बजे तो यहाँ सांगानेर से ही निकले थे और अभी हम 9:41 हो रहे हैं और न्यू सांगानेर रोड पर है। आज हम लेंगे अपना अलग रूट, इस रूट से जाएंगे हम। तो आज का हमारा वीडियो मेरे जैसे भाइयों के लिए है जो कि नई नई मोटर व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारा आज का वीडियो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि नया जो ब्लॉगर होता है, नया मोटर व्लॉगर जो होता है ना, वो स्टार्टिंग के अंदर या गोप्रो वगैरह एक्शन कैमरा नहीं खरीद सकता है। पहले स्टार्टिंग में मैं अपने दूसरे मोबाइल से जो है वो वीडियो शूट करता था बट उसके अंदर वाइड एंगल के अंदर मेरी नॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी और जो ओपन कैमरा मैं यूज़ कर रहा था उसके अंदर नॉइस तो बढ़िया आती थी बट हमारी वाइड एंगल नहीं आता था। तो अब उन दोनों ही चीज़ों का सलूशन जो है हमको मिल चुका है। तो उसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट तो लगेगा क्योंकि अगर आपके पास में सैमसंग का मोबाइल है तो बहुत बढ़िया है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई दूसरा मोबाइल है तो अभी जैसे मैंने सैमसंग का मोबाइल लिया है, बहुत ही सस्ता मोबाइल है, मात्र 10,000 का है। GoPro का पूरा सेटअप लगभग आपको 40,000 से प्लस पड़ता है जिसके अंदर हमारे को 1 या 2 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिलता है। बट अगर आप सैमसंग का कोई मोबाइल ले लेते हो तो हमारे को उसका बैकअप जो है वो आपको काफ़ी लंबा मिल जाता है क्योंकि बैटरी बहुत अच्छी चलती है इसकी। और अगर आप वाइड एंगल के अंदर वीडियो शूट करते हो ना तो आप एक्सटर्नल माइक से भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। यानी अभी मैंने जैसे एक्सटर्नल माइक अपने हेलमेट के अंदर लगा रखा है तो मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग अच्छी आ रही है, एंगल आप देख सकते हो और जो वॉइस की क्वालिटी है वो भी आप सुन ही सकते हो किस तरीके से हमारी आ रही है। और ये चूतिया, तो मैंने अभी लगभग 2 या 3 ब्लॉग जो है वो अपने इसी मोबाइल से शूट किए हैं जो कि क्वालिटी एकदम मेरी परफेक्ट आ रही है, इसकी GoPro वाला फील आ रहा है पूरा और वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी आ रही है। तो यार मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग के अंदर GoPro या कोई एक्शन कैमरा ना लेकर अगर आप कोई सैमसंग का मोबाइल ले लो या फिर मोबाइल की स्पेसिफ़िकेशन आपको देखनी पड़ेगी कि भाई एक्सटर्नल माइक से जो है जब भी आप मोबाइल वगैरह लेने जाओ तो वहाँ पर कोई एक्सटर्नल माइक लगा के और आप चेक कर सकते हो कि एक्सटर्नल माइक से आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है। क्योंकि जब आपकी एक्सटर्नल माइक से वॉइस रिकॉर्ड होती है ना तो ये बता देता है, आपको नोटिफिकेशन आया था, आप देखो लगता है यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। तो हालत देखो बुरी तरीके से भाई। मे बी यहाँ कोई एक्सीडेंट ही हुआ है जब भी इतना सब कुछ हो रहा है, नीचे ऑयल ही गिरा हुआ है और उधर से डिवाइडर वगैरह भी टूटे हुए हैं, पुल टूटा हुआ है। भाई हाईवे है ना तो यहाँ तो ट्रकों का आना जाना इतना भयंकर लगा रहता है और ट्रक होते हैं रात के राजा और रात के अंदर वो अपने ही चलाते हैं बस, और ऐसे तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना कि सामने वाले का फटके हाथ में आ जाए। यह इनसे तो दूरी रहना चाहिए, इसलिए हमेशा हेलमेट पहनो, सेफ राइडिंग करो। तो गाइस रात को भी हमने जाते वक्त अपना व्लॉग शूट किया था, फिर जब मैंने उसको जाके देखा तो थोड़ा सा उसका एंगल जो था वो नीचे की तरफ था, यानी मेरे गाड़ी का हेड दिख रहा था और भी यानी सिर्फ रोड का सामने का दिख रहा था, सामने का थोड़ा सा ऊपर से जो है वो ढंग से नहीं दिख रहा था। तो उसके लिए मैंने अभी एंगल का जो है वो आइडिया थोड़ा कम है किस एंगल पे सेट करना है। कभी कभार तो अच्छा एंगल सेट हो जाता है, कभी कभार अच्छा एंगल सेट नहीं हो पाता है, जल्दीबाजी के अंदर रहते ना यार हम हमेशा ही, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि पहले हम टेस्टिंग करें, एंगल सेट करें और उसके बाद में व्लॉग शूट करें, तो यार इतना टाइम तो होता नहीं है। देखो साइड में कैसे टेढ़ा, तो वो जा रही है जो अभी एक्सीडेंट हुआ था ना उसकी गाड़ी। और तेरी तो गाड़ी की हालत देखो यार, टोटली ख़त्म हो चुकी है। गाड़ी की हालत देख के आप देख सोच सकते हो कि कितना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ होगा यार। वहाँ पे बत्ती बंद है, 39, 37, 36, चलो ज़्यादा लंबी बत्ती है नहीं, अभी खुल जाएगी।
अभी थोड़े दिन पहले हमारे भाई का भी यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था, शाहरुख का। अल्लाह का शुक्र है ज़्यादा लगी नहीं भाई के। तो भाई लोग, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि यार एक एक्शन कैमरे से मोबाइल कैसे जो है कंपैरिजन हो सकता है, मोबाइल कैमरे का और एक्शन कैमरे का कैसे कंपैरिजन हो सकता है। तो भाई कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है, बट अपना पॉकेट का भी तो ध्यान रखना पड़ता है ना अपन को, क्योंकि नए नया ब्लॉगर है, नए स्टार्टिंग की है, कुछ पता नहीं है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। ठीक है, लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आपके सब्सक्राइबर्स कब तक बढ़ेंगे, तो वो सारी चीज़ है। तो उसके लिए स्टार्टिंग का जो एक बजट होता है ना, कोई भी आदमी एक अच्छा सा हेलमेट लेगा तो 2 से 2500 रुपये का हमारा हेलमेट का सेटअप पड़ जाएगा माउंट के साथ में। फिर उसके बाद में एक्शन कैमरा लेना होता है हमारे को, और वो एक्शन कैमरे के अंदर भी हमारे को एक्सटर्नल माइक्स वगैरह लेने होते हैं, जो कि भी वो भी महंगे आता है। तो ये सब मिला के हमारा जो खर्चा है वो लगभग 45 से 50,000 रुपीज़ का जो है पड़ जाता है, अगर आप GoPro लेते हो तो। और अगर आप GoPro ना लेके कोई ऐसे ही नॉर्मली एक अच्छा एक्शन कैमरा लेते हो तो भी 10,000 प्लस ही कोई अच्छा एक्शन कैमरा आएगा, जो भी आपको जो बैकअप है ना वो इतना ज़्यादा नहीं देगा और वीडियो क्वालिटी भी ऐसी नहीं देगा जितनी मोबाइल दे रहा है। तो मैं भी आपको कोई ऐसा हैवी फ़ोन तो बता नहीं रहा हूँ, सैमसंग का ये एक फ़ोन है। ठीक है, इसका जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो, इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो, इसकी प्राइस वगैरह। तो बेनिफिट हमारा ये रहता है कि एक तो आपके पास में एक एक्स्ट्रा मोबाइल हो जाता है जो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है कि बार बार हमें एक्सटर्नल बैटरी 100% चार्ज करने के बाद में आप काफ़ी अच्छी जो है इससे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आप चाहो तो पूरे दिन भर भी अगर रिकॉर्डिंग करना चाहो ना तो आपकी लगभग कंटिन्यूसली इसके अंदर 5 से 6 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाती है, जबकि एक्शन कैमरा लेने से बढ़िया एक नॉर्मल मोबाइल लेके उससे मोटो व्लॉगिंग स्टार्टिंग में करना क्यों सही है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक्शन कैमरा आपका 12,000 से प्लस आएगा अगर आप अच्छा से अच्छा थोड़ा बहुत नहीं नॉर्मली अच्छा लेते हो तो 12,000 प्लस आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको उसके अंदर एक्सटर्नल मेमोरी लेनी होगी, उसके बाद उसके लिए आपको एक्सटर्नल माइक लेना होगा। ठीक है, तो लगभग आपका 15,000 रुपये का खर्चा ये बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप कोई मोबाइल लेते हो तो मोबाइल के अंदर आपको जो है वो एयरफोन भी मिल जाएगा, आप उस वाले एयरफोन से भी जो है अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप एक्सटर्नल माइक लेके उससे भी कर सकते हो। और अगर आप जयपुर के आसपास हो या फिर आपके एरिया के अंदर कोई अच्छा सा इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट है तो आप वहाँ से भी है ना माइक परचेस कर सकते हो, जो कि आपको 150 से 200 रुपये के अंदर अच्छा जो माइक है वो मिल जाएगा। क्योंकि मैंने भी जो इस वक्त मैंने लगा रखा है, हालांकि मेरा तो 600 रुपीज़ का माइक है जो मैंने ऑनलाइन से लिया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। काफ़ी सस्ता है और बहुत ही अच्छी वॉइस क्वालिटी देता है। मेरा जो दूसरा चैनल है उसके अंदर भी मैं अपनी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग इसी से करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा है मेरे लिए। तो अभी तक तो मुझे कोई शिकायत ऐसी मिली नहीं है, इसके लिए अच्छी वॉइस रिकॉर्डिंग देता है। और एक माइक मेरे पास है जो कि मैंने मात्र 180 रुपीज़ के अंदर लिया था, जो कि हमारा पास में राइसर है वहाँ से लिया था मैंने 180 रुपीज़ का, वो भी बहुत सस्ता है। तो दो मेरे पास एक्सटर्नल माइक है तो वो हम यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, मेमोरी तो हो ही गया, एक्शन कैमरे के अंदर मेमोरी का खर्चा इस वगैरह हो करके काफ़ी खर्चा हो जाता है। प्लस अगर आप मोबाइल लेते हो तो देखो, मोबाइल के अंदर हमारे एक्सटर्नल मेमोरी तो अलग से लगाना चाहो आप तो ही लगाओ, अदरवाइज़ ज़रूरत है नहीं, आपको आराम से ये 64 GB देता है। मेरे इस मोबाइल के अंदर 64 GB का स्पेस है। अगर हम सिर्फ मोटो व्लॉगिंग के लिए मोबाइल ले रहे हैं तो एक्सटर्नल कोई ऐप्स वगैरह हमें डालने की ज़रूरत वगैरह पड़ेगी नहीं, तो आपका जो स्पेस रहेगा ना वो स्पेस आपका टोटली मोबाइल का जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग है ना उसको सेव करने के ही काम आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो वीडियो बनती है वो 3 से 4 GB की वीडियो हमारी बन जाती है इससे। अगर आप कोई भी एक व्लॉग शूट करते हो तो 3 से 4 GB, या कोई लंबा हो जाता है तो 5-6 GB का होता है, तो बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है हमारे को। तो एक बेनिफिट हमारे को ये है। दूसरा, आप उसको अलग यूज़ में भी ले सकते हो मोबाइल को, अगर आपके पास में होता है तो। आप एक्शन कैमरे का तो क्या होगा यार, एक्शन कैमरा बस आप उसी टाइम बस वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा किसी काम आएगा नहीं, और अगर आपके पास में कोई मोबाइल होगा तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा भी उसको यूज़ में कर सकते हो। पर्सनल आपका मोबाइल रखो और एक इस तरीके का मोबाइल जो है वो हम लेके आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
वीडियो क्वालिटी एक नंबर आती है, आप देख सकते हो वीडियो क्वालिटी कितनी अच्छी आती है। जो अगर आप 10 से 12 हज़ार रुपये का एक्शन कैमरा लोगे ना, उससे तो काफ़ी बेटर वीडियो क्वालिटी आती है। तो भाई मेरा भी प्लान था कि इस मंथ मुझे लेना था एक्शन कैमरा, बट अब मैं उस प्लान को ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी मैं एक्शन कैमरा नहीं लूँगा, अभी मैं कंटिन्यूसली इसी पे रहूँगा। अभी थोड़े टाइम इसी से ब्लॉग करेंगे, फिर हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम लेंगे अपना एक्शन कैमरा। तो गाइस जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये देख रहे हो सामने मेट्रो की लाइन जा रही है, तो ये है न्यू एलिवेटेड रोड और काफ़ी लंबा है, ऊपर से जा रही है मेट्रो। एक रूट ये जा रहा है, एक रूट इस साइड में जा रहा है और वो जा रही है सामने मेट्रो। तो यहाँ से निकले हम चांदपोल और चांदपोल से अंदर अंदर होता हुआ हम जाएंगे सीधा ऑफिस की तरफ। तो यहाँ भी खड़े हुए हैं सामने मामू। हेलो मामू। तो भाई लोगों, अगर आप मोटर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो ना, तो स्टार्टिंग के लिए यार कोई एक्शन कैमरा ना लेके ना कोई इस तरीके का सैमसंग का या फिर कोई अदर जिसके अंदर एक्सटर्नल माइक से वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए और वाइड एंगल भी हो, ऐसा मोबाइल ले लीजिए, ताकि आपको वो मोबाइल कई दूसरे कामों में भी हमारे काम आ जाएगा। वीडियो एडिटिंग वगैरह सब कुछ करने में भी आपका वही मोबाइल काम आ जाएगा और वीडियो एडिटिंग भी वहीं से हो जाएगी आपकी। स्पेस का भी आपको इश्यू नहीं रहेगा, बैटरी बैकअप का आपको इश्यू नहीं रहेगा, हर तरीके से फ़ायदा है यार। जब तक आप है, क्योंकि अगर आप कोई एक्शन कैमरा लेते हो ना, तो फिर आपको GoPro पे ही जाना चाहिए बात के अंदर तो, क्योंकि कोई नॉर्मली ऐसा एक्शन कैमरा लेने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि GoPro जो देता है ना, GoPro के अलावा तो यार, या तो GoPro या फिर Insta360, बस ये दो ही थोड़े से अच्छे कैमरे हैं। और हमने तो सोचा है Insta360 लेने का। ये यहाँ से चांदपोल से पूरा बैंगल का मार्केट है। बोलो भाई बंदे। तो भाई यार काफ़ी टाइम से है ना इस रोड का काम चल रहा है। मैं सोचा था अब तक तो कंप्लीट हो गया होगा, बट अभी भी इस रोड का काम चल ही रहा है और आज फिर हमारे को वापस घूमना पड़ गया। वैसे ही हम लेट हो रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है ऑफिस पहुंचने के लिए और हमें लगेगी लगभग 15 से 20 मिनट ऑफिस पहुंचने में अभी भी, क्योंकि यार ये जो एरिया है ना, यहाँ ट्रैफिक बहुत रहता है। अभी इन बैटरी वालों की हरकतें देखो तुम, कहीं भी घुसेड़ेंगे साले। ये है चांदपोल गेट, यहाँ से हम निकल जाएंगे छोटी चौपड़ की तरफ। तो हम वहाँ से ना घुस के यहीं से घुस जाएंगे। तो भाई लोगों, मैंने आपको कंपैरिजन तो बता ही दिया है मोबाइल में और एक्शन कैमरे में। अब सेकंड चीज़ ये रहती है, क्या है, एक्शन कैमरे के अंदर आप टाइमलेस वगैरह भी ले सकते हो सब कुछ, तो मोबाइल के अंदर भी वो सारी चीज़ हो जाएगी। और दूसरी बात स्टेबिलिटी की, तो अगर आप वाइड एंगल के अंदर कोई भी वीडियो अगर आप शूट करते हो ना, तो स्टेबिलिटी बहुत ही शानदार आती है। ये चीज़ मुझे भी पहले नहीं पता थी, लेकिन अब जब मैं क्या कर रहा है यार चूतिया, तो जब से मैं ना वाइड एंगल के अंदर शूट करने लगा हूँ ना, तो स्टेबिलिटी मैंने भी देखी है यार, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। और अगर आपके पास में गिम्बल है तो फिर तो भाई क्या कहने, गिम्बल के बाद तो स्टेबिलिटी के अंदर ऐसा आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। हम भी जो मेरा GoPro खरीदने का प्लान था कि मैं GoPro खरीदूँगा या फिर कोई Insta360 खरीदूँगा, तो वो तो रहेगा ही हमारा प्लान बाद का। बट अभी का मेरा प्लान था कि भाई यार कोई 10-12 हज़ार रुपये का मैंने एक देख रखा था स्पार्क का और IGI का, तो अब वो प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया है। उसके बदले अब मैं लूँगा एक गिम्बल, ताकि मैं मोबाइल के ऐसे मोटर ब्लॉगिंग के अलावा भी जो ऐसे वीडियो शूट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे दिक्कत ना आए। तो उसके लिए मैं ना गिम्बल ले रहा हूँ नेक्स्ट मंथ यानी कि जब मेरी सैलरी आएगी जब। तो आज हो गई है 29th दिसंबर, कल 30 दिसंबर, 31st, तो 10 से 12 तारीख तक अपनी सैलरी आ जाएगी, फिर ले लेंगे हम एक गिम्बल। अब गिम्बल देखेंगे हम कौन सा लेते हैं, वैसे ज़्यादा बजट है नहीं।
जो ज़्यादा महंगा वाला लेंगे नॉर्मली वाला ले लेंगे। तो गिम्बल का फ़ायदा है कि स्टेबिलिटी अच्छी रहती है, गिम्बल से शूट करने में मज़ा आता है, सिनेमैटिक शूट्स लेने में बड़ा मज़ा आता है। तो हम भी ऑटो मूवमेंट वाला ही गिम्बल लेंगे, अगर लेंगे तो नॉर्मल वाला नहीं लेंगे। तो बस भाई लोगों, आप लोगों से बस इतना ही कहना था कि यार अगर एक्शन कैमरा लेने की सोच रहे हो और आपने मोटो व्लॉगिंग की स्टार्टिंग की है तो एक्शन कैमरा लेने के बजाय आप लो अच्छा सा बढ़िया सा सैमसंग का ये मोबाइल, जो कि आपके अदर यूज़ में भी आएगा और आपके मोटो व्लॉगिंग के अंदर भी काम आ जाएगा, आपकी वीडियो एडिटिंग करने के लिए भी काम आ जाएगा, हर चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज के वीडियो के अंदर हम बस यही बताना चाहते थे आप लोगों को, और हम भी लगभग अब ऑफिस की तरफ जो है वो पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और आप लोगों की कुछ अगर सजेशन वगैरह कुछ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग के अंदर, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।